अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला हद और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट वाल्व। बहुत सारे लोग इसको अपनी गाड़ी से निकाल देते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से, समझ के गर्मी में ज़्यादा गाड़ी हीट होती है, ये वो। तो मैं जो आपको ये बताऊँगा कि इसको ना निकालने के क्या फ़ायदे हैं और निकालने के क्या नुकसान हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये थर्मोस्टेट वाल्व एक गाड़ी के कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसका काम होता है गाड़ी को जल्द बल्द अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे लेके आना, ताकि गाड़ी फ्यूल कम से कम खाए। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ECU जो कि गाड़ी के अंदर कंप्यूटर होता है वो फ्यूल ज़्यादा देता है, ताकि जल्द बल्द गाड़ी गर्म हो। ECU जो गाड़ी का कंप्यूटर होता है वो फ्यूल की खपत को कम कर देता है, ताकि फ्यूल अपने नॉर्मल आइडल टेम्परेचर पर आ जाए। जो लोग इसको निकाल देते हैं उसका नुकसान ये होता है कि गाड़ी लेट गर्म होती है, फ्यूल ज़्यादा लगता रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी वाइब्रेशन करती है स्टार्ट होते हुए, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन पे भी असरात होते हैं। बहुत सारे लोग इसको इसलिए निकाल देते हैं कि भाई गर्मी है, उसको निकाल देना चाहिए। इसको सर्दी गर्मी में बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। ये कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। इसका टेम्परेचर खुलने का एक वॉल्व स्प्रिंग है, देख सकते हैं स्प्रिंग है, इसे गाड़ी गर्म होती है, अपना टेम्परेचर भी आती है। तो ये रास्ता जो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये वाला ये खुल जाता है, इस पर साइड पर पीछे को आ जाता है। इसका टेम्परेचर 85 से लेके 95 सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे गाड़ी का टेम्परेचर इतना होता है, ये खुल जाता है, सारा रास्ता पानी का अपनी जगह पर आ जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम अपना कम्प्लीट हो जाता है। तो इसको अरबी में बल्ब भी कहते हैं, उर्दू में इसको वॉल कहते हैं, इंग्लिश में इसको थर्मोस्टेट वॉल कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये था। तो आज जिन लोगों ने इसको अपनी गाड़ी से निकाला है, तो मेहरबानी फरमा के इसको वापस अपनी गाड़ी में फिट करवाएं। इसको चेक करने का ये तरीका होता है, ये अक्सर ख़राब ही हो जाता है, खुले हालत में बंद हो जाता है। उसका भी तरीका ये होता है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी ऑपरेट करती है, लेट अपने टेम्परेचर पर आती है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लेट आती है, तो अपने सबसे पहले चेक करवाएँ कि ये खुली हालत में बंद तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुका होता है, तो आप इसको ला भी सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो के लिए। वैसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग ने कमेंट पर मेरा नंबर मांगा था, तो मैंने उनको ये कहा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कोई भी कॉल करके मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं।